राजनीति की हो या हो सामाजिक घटना हो या दुर्घटना, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, बातें होंगी आपके शहर की, उत्तर प्रदेश की हर खबर से यूपी और जंक्शन पर। 5 करोड़ की नशीली दवाओं के साथ 11 आरोपी गिरफ्तार। जिले में चेकिंग के दौरान थाना शहजाद नगर में पुलिस एवं एसओजी की टीम को एक व्यक्ति नकली नशीली दवाएं ले जाते हुए मिला। जब उससे पूछताछ की तो वह भागने की कोशिश करने लगा। उसे पकड़कर बलपूर्वक पूछताछ की गई तो उसने बताया कि थाना शहजाद नगर में ही एक खंडर नुमा बिल्डिंग में कुछ लोग नशीली दवाओं को सस्ते में बेच रहे हैं, वहीं से वह लेकर आया है बिना बिल के। टीम ने जब खंडर में जाकर छापा मारा तो वहाँ पर और लोग नशीली दवाओं के जखीरे के साथ पकड़े गए। पुलिस ने जब छानबीन की तो उनके पास से 5 पेटी नशीली दवाएं बरामद हुई, साथ ही कुल 11 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने बताया कि इन दवाओं को यह आगरा से बसों के जरिए लेकर आते हैं और यहां वहां कम दामों पर मेडिकल स्टोर व अन्य जगहों पर आपूर्ति करते हैं। जनपद रामपुर में शहजाद नगर पुलिस एसओजी टीम और ड्रग्स विभाग के संयुक्त टीम के द्वारा बहुत ही अच्छा एक काम किया गया, जिसमें अंतर्राज्यीय गैंग जो कि नशीली दवाओं का व्यापार करता था उसके 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग आगरा से इनकी कड़ी जुड़ी हुई है। आगरा में पिछले वर्ष एक गैंग पकड़ा गया था इसी तरह का, उसी के क्रम में ये लोग आज पकड़े गए हैं। इनसे जब पूछताछ किया तो जानकारी प्राप्त हुई कि ये लोग आगरा से ब्लैक में दवाएं लेके आते थे। दवाएं सब ओरिजिनल हैं परंतु ये लोग बिना बिल के, जो इनका मार्केट प्राइस है उससे कम प्राइस में इसको लेके, और अलग अलग लेवल पे 6 कड़ी इनकी मिली है। अभी 6 लेवल पे अलग अलग प्राइस बढ़ा के इसको बेच देते हैं। उदाहरण के तौर पर एक इंजेक्शन जो मिला है वो उसका क्रय मूल्य लगभग 14 रुपये के करीब है और उसे कंज्यूमर जब आखिरी 7वें 8वें चरण पे जो उस इंजेक्शन का प्रयोग करता था उस तक पहुंचते वो इंजेक्शन 300 रुपये का मिलता। ये सब व्यापार जो है इनका मॉडस ऑपरेंडी आगरा से या फिर मुरादाबाद से ये पूरे मंडल में चल रहा था और इस मंडल के अलावा ये यहाँ से उत्तराखंड में भी सप्लाई होता। इन 11 लोगों को जो पकड़ा, कहाँ कहाँ से पकड़ा? इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये लोग अपनी जितनी भी दवाएं, कैप्सूल, शीशियां, सिरप या इंजेक्शन, ये सब लोग कोई भी अपने माध्यम, अपने व्हीकल से, अपने वाहनों से कम इसको ट्रांसफ़र करते थे। इसका ज़्यादा इस्तेमाल ये लोग सरकारी बस करते। क्या इसमें नार्कोटिक मेडिसिन भी है? सरकारी बसों से ये लोग कंडक्टर ड्राइवर से सांठगांठ करके उनको कुछ उत्कोच दे के वो सामान वहाँ रख देते थे और जहाँ डिलीवरी होनी थी वहाँ पर वो व्यक्ति उनसे ले लेता। इसी क्रम में इस सूचना पर आज शहजाद नगर थाना क्षेत्र में कल एक व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके कब्जे से कुछ पेटियाँ बरामद हुई। ये सूचना पर जॉइंट टीम हमारी ड्रग्स विभाग के साथ काम कर रही थी और उससे जब हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वो पास ही एक खंडर पड़े स्थान से ये सब दवाइयों का जो बांट हो वहाँ से होता। इस सूचना पर हमारी पुलिस के द्वारा जब दबिश दी गई तो इन 11 व्यक्तियों को कुल मिलाकर गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लगभग 3.25 लाख टैबलेट और